तो गाइस आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज हम जो है एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं इन सभी फोन के बीच में। 100 से 0% इन सभी फोन की बैटरीज को जो है हम डिस्चार्ज करने वाले हैं। देखते हैं यार कितना टाइम लगता है और किस फोन की बैटरी की परफॉर्मेंस बेस्ट निकल कर आती है और किस फोन की बैटरी की परफॉर्मेंस एकदम पुअर निकल कर आती है। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको सब कुछ समझ लगेगा कि भाई फोन की बैटरी किस तरह की है और किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि एक और बैटरी ड्रेन टेस्ट आ रहा है, उस पर काम अभी चल रहा है, एडिटिंग चल रही है। कौन कौन से फोन है ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो आप चेकआउट कर लो। इन सभी फोन के बीच में बैटरी ड्रेन टेस्ट आपको जो है कुछ दिनों में मिल जाएगा। और भाई आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ऐसी ऐसी वीडियोज में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मतलब कि एक दिन तो पूरा शूट में जाता है और 3 से 4 दिन ना एडिटिंग में जाते हैं। बहुत ज्यादा डीपली एडिटिंग होती है ऐसी वीडियोस में। तो प्लीज यार सपोर्ट दिखा दो और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि हमारा जो पुराना चैनल था जिस पर हमारे 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, वो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया था। तो प्लीज आप सपोर्ट दिखा दो, जल्दी से लाखों सब्सक्राइबर्स, 1 लाख तो कंप्लीट कराओ जल्दी से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो अब ये बैटरी ड्रेन टेस्ट देखो, फिर आखिर में बात करते हैं। तो सबसे पहला फोन है मोटो जी 54 5G, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 प्रोसेसर के साथ आता है और साथ में 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और इन सभी फोन में कितने वोल्ट का चार्जर आता है ये मैं डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा। अगला फोन है मोटो जी 34 5G, और इस फोन में स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर आता है और साथ में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगला फोन है रियलमी C67 5G और रियलमी 11X 5G। इन दोनों ही फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है और 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगला फोन है रेडमी 12 5G, और इस फोन में स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर आता है और 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अब लास्ट में अपने पास है रेडमी 13C 5G, और इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर दिया गया और साथ में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इन सभी फोन को हमने जो है 100% चार्ज कर दिया है इनके ओरिजिनल चार्जर से, और ये सभी फोन जो है एक सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड भी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम जो है इन सभी फोन की जो ब्राइटनेस है उसको भी फुल रखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जो है देख सकते हो। तो चलिए अब अपना जो बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट है वो शुरू करते हैं और टाइमर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इन सभी फ़ोन में एंटूथ स्कोर रन करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सा फ़ोन सबसे पहले कंप्लीट करता है और कौन सा फ़ोन सबसे लेट कंप्लीट करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस फ़ोन की कितनी बैटरी यहाँ पर जो ड्रेन होती है। लेकिन उससे पहले आप इन सभी फोन के एंटूथ स्कोर यहाँ पर जो है चेकआउट कर लो, और अब यहाँ पर जो है दोबारा से इनके जो एंटूथ स्कोर को रन करते हैं और लाइव देखते हैं कि भाई कौन सा फ़ोन हमें कितने स्कोर निकाल कर देता है। तो फाइनली एंटूथू स्कोरिंग कंप्लीट हो चुकी है, और सबसे पहले यहाँ पर मोटो जी 54 5G ने कंप्लीट किया था, सेकंड नंबर पर रेडमी 12 5G ने, और लास्ट में रियलमी 667 5G ने। और लाइव क्या स्कोर निकल कर आए ये आप जो खुद डिस्प्ले पर देख लो, और किस फोन की कितनी बैटरी ड्रेन हुई है ये भी आप जो डिस्प्ले पर चेकआउट कर सकते हो, और कौन सा फोन कितना हीट हो रहा है ये भी आपको मैं साथ साथ दिखाता जाऊंगा, आप जो है चेकआउट करते जाना। अब यहाँ पर हम जो है थ्रोटल टेस्ट लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब पर कुछ जो है वीडियोस प्ले करेंगे। तो फाइनली 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और 1 घंटे बाद किस फोन की कितनी बैटरी ड्रेन हुई है ये आप डिस्प्ले पर जो है चेकआउट कर सकते हो। अब दोबारा से इन सभी फ़ोन में पूरे 1 घंटे के लिए YouTube वीडियोस प्ले कर देते हैं और 1 घंटे बाद देखते हैं कि भाई किस फ़ोन की कितनी बैटरी ड्रेन होती है। तो गाइज पूरे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब 2 घंटे बाद किस फोन की कितनी बैटरी ड्रेन हुई है ये आप डिस्प्ले पर चेकआउट कर सकते हो। और अब यहाँ पर हम जो है पूरे 1 घंटे के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं और 1 घंटे बाद देखते हैं कि किस फोन की कितनी बैटरी ड्रेन होती है।
तो यार पूरे 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और 3 घंटे बाद इन सभी फ़ोन की बैटरीज का क्या आउटपुट है ये आप डिस्प्ले पर चेकआउट कर सकते हो। और मोटो जी 34 5G की बैटरी सबसे ज़्यादा तेज़ी से ड्रेन हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो 57 पर आ चुकी है और बाकी जो फ़ोन्स हैं उनकी 64 या 65% के नियर अबाउट अपने को बैटरी देखने को अभी भी मिल रही है। तो चलिए अब आगे यहाँ पर जो है BGMI गेम प्ले करते हैं और पूरे 1 घंटे बाद देखते हैं कि भाई किस फ़ोन की कितनी बैटरी ड्रेन होती है। तो गाइस पूरे 4 घंटे यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुके हैं और 4 घंटे बाद इन सभी फ़ोन की बैटरीज का क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट है, ये आप जो है डिस्प्ले पर चेकआउट कर सकते हो। और आगे हम जो है BGMI गेम को 1-2 घंटा और प्ले करने वाले हैं क्योंकि हम जो है BGMI गेम सबसे ज़्यादा खेलते हैं और BGMI गेम पर सबसे ज़्यादा बैटरी जाती है। तो चेकआउट करते हैं कि भाई अगर हम BGMI गेम प्ले करते हैं 2-3 घंटे तो हमारे फ़ोन की कितनी बैटरी ड्रेन होती है। अब यहाँ पर पूरे 5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर जो है 5 घंटे बाद किस फ़ोन की कितनी बैटरी ड्रेन हुई है ये आप देख सकते हो। मोटो जी 34 5G सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है, 29 पर ये फ़ोन जो है आ चुका है। एक घंटा BGMI गेम हमने और प्ले करी और अब जो है पूरे 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और 6 घंटे बाद बैटरीज का क्या हाल है ये आप डिस्प्ले पर चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एंटूटू स्कोर दोबारा से रन कर देते हैं और फिर थ्रोटल टेस्ट यहाँ पर दोबारा से प्ले कर देंगे और फिर कुछ यूट्यूब पर वीडियोज प्ले कर देंगे। तो गाइस सबसे पहले अपना मोटो जी 34 5G बंद हो चुका है और इस फ़ोन की बैटरी चली है पूरे 6 घंटे 51 मिनट तक। बाकी जो है इन सभी फ़ोन में वीडियोस को प्ले रखते हैं और देखते हैं कि भाई कितना टाइम ये फ़ोन जो है लेते हैं स्विच ऑफ होने में। तो गाइस हमने दोबारा से इन सभी फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और अब देखते हैं कि भाई कौन सा फ़ोन कितनी देर में स्विच ऑफ होता है। तो गाइस अगला जो फ़ोन है वो है Realme C67 5G और इस फ़ोन की बैटरी चली है पूरे 7 घंटे 9 मिनट तक। तो भाई Redmi 12 5G की बैटरी भी दे चुकी है जवाब और इस फ़ोन की बैटरी चली है पूरे 7 घंटे 15 मिनट तक। तो अब यहाँ पर Realme 11X 5G की बैटरी भी जवाब दे चुकी है और इस फ़ोन की बैटरी चली है पूरे 7 घंटे 22 मिनट तक। अब Moto G 54 5G में 12% बैटरी बची है और Redmi 13C में यहाँ पर जो है 11% बैटरी बची है। अब देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले स्विच ऑफ होता है और कितना टाइम लेते हैं। तो फाइनली गाइज मोटो जी 54 5G भी यहाँ पर जो है स्विच ऑफ हो चुका है और इस फ़ोन की बैटरी चली है पूरे 7 घंटे 53 मिनट तक और Redmi 13C अभी भी यहां पर जो है सरवाइव कर रहा है। लेट्स सी और कितना टाइम लेता है। तो फाइनली गाइस Redmi 13C भी यहाँ पर जो है स्विच ऑफ हो चुका है और इस फ़ोन की बैटरी चली है पूरे 7 घंटे 54 मिनट, मतलब कि Moto G 54 5G से 1 मिनट ज़्यादा चली है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है Redmi 13C की बैटरी ने। तो यार मैंने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि Moto G 34 5G की बैटरी इतनी पुअर परफॉर्मेंस देगी और Redmi 13C 5G की बैटरी इतनी शानदार परफॉर्मेंस देगी। बाकी अगर बात करें Moto G 54 5G की तो भाई उसमें तो वैसे भी जो है 6000 mAh की बैटरी आती है तो परफॉर्मेंस तो अच्छी कहीं ना कहीं निकल कर आनी ही थी। और बाकी भाई आपके जो भी डाउट्स है इन सभी फ़ोन की बैटरीज को लेकर आई होप के क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो नेक्स्ट जो बैटरी ड्रेन टेस्ट आने वाला है उसमें बहुत इंटरेस्टेड फ़ोन हमने जो है ऐड करे हैं और अगर आप उनमें से कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो या इनमें से कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के वीडियो में यही था, वीडियो देखने पर बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और जानवर से प्यार करें।